नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, हमारे पास है एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर जिसके लेफ्ट हैंड साइड 3 वायर हैं और राइट हैंड साइड 4 वायर हैं। तो आइए दोस्तों, इन्वर्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बनाने के लिए हमें एक ट्रांजिस्टर 5200 की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, हमें एक 1K का रेजिस्टेंस भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ट्रांजिस्टर की कलेक्टर बेस और इमीटर पिन है, तो कलेक्टर पिन पर हमें 1K का रेजिस्टेंस लगा देना है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, हमको रेजिस्टेंस को लगा देना है। इसके बाद दोस्तों, हमें ट्रांसफार्मर में ट्रांजिस्टर और बैटरी के पिन को लगाना होगा। तो दोस्तों, आप ट्रांसफार्मर में 3 वायर देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो बीच कलर वाला वायर है, जो कि ब्लैक कलर का है, वो हमारी बैटरी का पॉजिटिव होगा और साइड वाले रेड और ब्लैक वायर ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट किए जाएंगे। दोस्तों, आप इस क्लिप का यूज़ करें जिससे हम बैटरी में लगाएंगे। तो हमको क्या करना है, इस क्लिप को बीच वाले वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। आगे दोस्तों, हमको ट्रांजिस्टर के पिन को इन लाल और काले वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, आपको 2 वायर और ले लेने हैं। तो पहला वाला लाल कलर का तार हम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरा वायर बेस पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमने इनको कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। अब इन दोनों लाल वायर को एक काले वायर के साथ और एक लाल वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का ब्लैक कलर का वायर है, उसको हम ट्रांसिस्टर की बेस पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और दोस्तों, जो रेजिस्टेंस वाला वायर रहेगा, उसको हम रेड कलर की वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, आप ट्रांजिस्टर में तीसरी पिन देख सकते हैं, जो कि इमीटर पिन है। यही दोस्तों, बैटरी का माइनस पॉइंट रहेगा। तो इसके लिए हम एक और क्लिप लेंगे और इसको हम इमीटर पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये दोस्तों, हमने इनको कनेक्ट कर दिया है। ये वाला वायर माइनस और ये वाला पॉजिटिव होगा। अब आगे दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर के साथ एक बोर्ड को कनेक्ट करेंगे, जिसमें एक होल्डर होगा। और तो दोस्तों, आप दूसरी साइड 4 वायर देख सकते हैं। तो कोई से भी 2 वायर में हम बोर्ड को कनेक्ट कर कर एसी सप्लाई ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा बोर्ड है, इसमें एक हमें होल्डर भी है जिसमें हम बल्ब को लगाएंगे। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की पहली वाली वायर है, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है बोर्ड के साथ और दूसरी वाली वायर को भी कनेक्ट कर दूंगा बोर्ड के साथ। दोस्तों, आप इन चारों में से कोई सी वाली पिन भी ले सकते हैं। तो मैं दोस्तों, ये लास्ट वाली पिन लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमने इसमें लगा दिया है। अब हम इस होल्डर में एक बल्ब लगा देंगे। दोस्तों, हमने इसमें एक 0 बल्ब लगा दिया है। आगे मैं आपको 9 वाट का एलईडी बल्ब भी लगाकर जलाकर दिखाऊंगा। अब दोस्तों, इसको हम ज़रा साइड में रख लेते हैं। अब आगे दोस्तों, हमें एक 12 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत भी होगी। ये दोस्तों हमारी बैटरी के वायर्स हैं। दोस्तों, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है।
दोस्तों ये रही हमारी बैटरी जो कि 12 वोल्ट 7.5 एम्पियर की है। दोस्तों आप देखना, जैसे ही मैं बैटरी के साथ वायर को कनेक्ट करूंगा तो जो 0 बल्ब है वो चलने लगेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें एक 9 वाट का एलईडी बल्ब लगाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास एक 9 वाट का एलईडी बल्ब। इस 0 बल्ब को निकाल कर हम इस 9 वाट के एलईडी बल्ब को लगा देंगे और फिर से हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एलईडी बल्ब कितने ठीक तरह से जल रहा है।